Welcome to the lecture number 4 of Farman Method in Software Engineering. Today's objective is concurrency, concurrent systems, verification models of concurrent system, PetriNet, actor model communicating, sequential process model. हमने देखना है कंकरेंसी क्या होती है, कंकरेंट सिस्टम क्या होते हैं, वेरिफिकेशन मॉडल जिस तरह से हमारे पास पैट्रीनेट है, एक्टर मॉडल है, कम्युनिकेटिंग सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कंकरेंसी क्या है। कंकरेंसी हमारे पास ऐसा मॉडल होता है जिसमें हमारे पास जो मेन टास्क होता है या मेन प्रॉब्लम या एल्गोरिथम होता है, हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स या पार्ट्स में जो है वो डिकम्पोज करते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर पे उन छोटे छोटे पार्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इन कंप्यूटर साइंस कंकरेंसी इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम एल्गोरिथम और प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम एल्गोरिथम या प्रॉब्लम के डिफरेंट पार्ट्स या यूनिट्स टू बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर। यानी कि हमारे पास या तो ये होता है, हम जो हमारे पास टास्क होते हैं हम उनको सीक्वेंस में एक ऑर्डर में जो है एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कंकरेंसी में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास टास्क होते हैं वो किसी मतलब ऑर्डर में नहीं एग्जीक्यूट हो रहे होते, मतलब विदाउट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और वो करेक्ट आउटकम जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं या आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑर्डर इन अ पार्शियल ऑर्डर विदाउट इफेक्टिंग दी फाइनल आउटकम, यानी कि अगर ऑर्डर उसका नहीं भी होगा टास्क की एग्जीक्यूशन का, तो फिर भी वो क्या करेंगे, जो फाइनल आउटकम होगी वो हमारे पास करेक्ट आएगी। दिस अलाउज पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंकरेंट यूनिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल का मतलब है सिमिलर, कोरिस्पॉन्डिंग, मैचिंग और इक्विवेलेंट, यानी कि दिस अलाउज पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंकरेंट यूनिट्स विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ओवरऑल स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन इन मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोसेसर जो हमारे पास सिस्टम होते हैं हम उनमें मल्टीपल प्रोसेसर लगा देते हैं ताकि हमारे सिस्टम की जो है वो स्पीड इम्प्रूव हो, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो वो जो हमारे पास मेन टास्क होगा वो उन टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से हमारा सिस्टम की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस या स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो कंकरेंसी रेफर टू दी डिकम्पोजेबिलिटी, जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि कंकरेंसी जो है, कंकरेंसी में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो मेन टास्क होता है हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे टास्क में जो है वो डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोग्राम एल्गोरिथम और प्रॉब्लम इनटू ऑर्डर इंडिपेंडेंट। जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पे जो है सीक्वेंस में जो एग्जीक्यूशन वो नहीं होती, यानी कि ऑर्डर इंडिपेंडेंट होते हैं और पार्शियली ऑर्डर यानी कि या पार्शियली ऑर्डर होते हैं। कंपोनेंट्स आर यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। अ नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर जनरल कंकरेंट कंप्यूटेशन इंक्लूडिंग पैट्रीनेट्स, प्रोसेस कैलकुली, द पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल, द एक्टर मॉडल एंड द रियो कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज। तो ये उसके जो है कंकरेंट सिस्टम के लिए हमने जो है उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये हमारे पास मॉडल्स हैं जो हम यूज करते हैं कंकरेंट सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए। तो आइए इसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंट प्रोसेसेस कैन रिड्यूस द डुप्लीकेशन इन कोड। जैसा हमने पहले भी बात किया कि कंकरेंसी में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मेन टास्क होता है हम उसको मल्टीपल टास्क में, छोटे छोटे टास्क में जो है वो डिवाइड करते हैं और हर टास्क के लिए हम एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड जो है वो जनरेट करते हैं। इसलिए इस तरह से हम जो है कोड की डुप्लीकेशन से जो है वो बच सकते हैं। ओवरऑल रन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, यानी कि मतलब अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करना है तो हमें पूरे के पूरे सिस्टम को रन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसर को जो है वो रन करेंगे। मोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद सिक्वेंशियल एल्गोरिथम दलॉन, यानी कि सिक्वेंशियल एल्गोरिथम की निस्बत जो है हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कंकरेंसी से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। रिडंडेंसी कैन मेक सिस्टम मोर रिलायबल। अब हमने देखना है कि रिडंडेंसी हमारे पास क्या। बेसिकली रिडंडेंसी में हमारे पास ये होता है कि हम सेम डेटा को जो है दो या दो से ज़्यादा बार जो है वो रिपीट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए, यानी कि कंकरेंसी सेम डेटा हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस बट जस्ट बाई यूजिंग डिफरेंट वर्ड, यानी कि डिफरेंट वर्ड की मदद से हम क्या करते हैं सेम डेटा को रिपीट करते हैं दो या दो से ज़्यादा बार। तो उसके बाद इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी
डिसएडवांटेजेस ऑफ कंकरेंसी, रन टाइम इज नॉट ऑलवेज रिड्यूस, सो केयरफुल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि रन टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग की जो है वो जरूरत होती है। कंकरेंट एल्गोरिथम कैन बी मोर कम्प्लेक्स, जिस तरह से हमने पहले बात किया कि हम जो है एक टास्क को जो अगर मल्टीपल टास्क में डिवाइड करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है इस तरह से मोर कम्प्लेक्स हो जाएगा। देन सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, सिक्वेंशियल एल्गोरिथम में ये होता है कि हमारा जो मतलब हमारे जो टास्क मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन कंकरेंट सिस्टम में या एल्गोरिदम में ऐसा होता है कि हमारे जो टास्क होते हैं वो किसी ऑर्डर के बगैर जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। शेयर डाटा कैन बी करप्टेड, यानी कि शेयर डाटा जो मल्टीपल जो टास्क होंगे वो शेयर डाटा यूज करेंगे तो उन यूजिंग की वजह से जो है डाटा करप्ट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क इज नीडेड, उसके बाद कम्युनिकेशन जो है टास्क के दरमियान लाजमी होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हमने देखना है कि कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म, यानी कि कंकरेंस कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म, यानी कि कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या फर्क है। कंकरेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, यानी कि कंकरेंसी क्या है, मल्टीपल टास्क की एग्जीक्यूशन है एट द सेम टाइम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि जितने भी प्रोसेसर के प्रोसेसर होंगे उनके नंबर पे ये जो है ये डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्या करती है ये जो है मल्टीपल टास्क जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन पैरेललिज्म में क्या होता है, पैरेललिज्म इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, यहाँ पे उसने प्रोसेसर का वर्ड यूज किया है, मल्टीपल प्रोसेसर ऑन द सेम टास्क, यानी कि यहाँ पे ये होता है कि मल्टीपल जो है टास्क वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेललिज्म में ये होता है कि मल्टीपल जो है प्रोसेसर जो है वो सेम टास्क पे काम कर रहे होते हैं या सेम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास कंकरेंट सिस्टम क्या होते हैं। कंकरेंट सिस्टम आर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स विच मे परफॉर्म ऑपरेशन कंकरेंटली, कंकरेंटली मतलब एट द सेम टाइम, दैट इज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। अ सिस्टम इन विच मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसे सिस्टम जिसमें मल्टीपल टास्क जो हमारे पास हैं वो सेम टाइम पे जो है एग्जीक्यूट हो रही हूँ, हम उनको क्या कहते हैं, कंकरेंट सिस्टम कहते हैं। द टास्क मे बी डुप्लीकेट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया है कोड के बारे में, यानी कि कोड जो है वो डुप्लीकेट नहीं होते लेकिन टास्क जो है वो एक दूसरे को डुप्लीकेट कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क। द ओवरऑल टाइम टू परफॉर्म द सीरीज ऑफ टास्क इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, नॉन सिक्वेंशियल यानी कि कंकरेंट एग्जाम्पल है। नॉन सिक्वेंशियल में सिक्वेंशियल में ये होता है कि हमारे पास जो मतलब एक सिस्टम होता है वो मल्टीपल टास्क को जो है एक ऑर्डर में परफॉर्म करता है, यानी कि अगर पांच टास्क हैं तो पहले वो नंबर वन पे जो है नंबर वन पे जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा और दूसरे नंबर पे दो नंबर वाले टास्क को परफॉर्म करेगा, तो इस तरह से एक ऑर्डर में या सिक्वेंस में जो है वो टास्क को जो है एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंकरेंट में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी मतलब टास्क होते हैं हमारा सिस्टम उनको एट द सेम टाइम जो है वो डील कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर अ हाउस विद अ बर्गलर यानी थीफ अलार्म, यानी कि थीफ अलार्म सिस्टम, यानी कि हमारे पास एक ऐसा घर है जिसमें जो है एक थीफ अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, तो थीफ अलार्म सिस्टम जो है द सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर, यानी कि सिस्टम जो है एट द सेम टाइम कितनी चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा, द फ्रंट डोर यानी कि वो फ्रंट डोर को भी मॉनिटर कर रहा होगा, द बैक डोर को भी मॉनिटर कर रहा होगा, द स्लाइडिंग ग्लास डोर इसको भी जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा, द डोर टू द डेक इसको भी मॉनिटर कर रहा होगा, द किचन विंडोज यानी कि किचन विंडोज को भी एट द सेम टाइम यानी कि वो इन तमाम चीजों को जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। द बर्गलर अलार्म इज वॉचिंग ऑल ऑफ दीज एट वंस एट द सेम टाइम, यानी कि इन तमाम चीजों को जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो सीख वॉच कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास कंकरेंट मॉडल्स हैं, कंकरेंट यानी कि कंकरेंट सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल हमारे पास पैटी नेट है, इसको हम जो है प्लेस ट्रांजिशन नेट भी कहते हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ जो है प्लेसेज होती हैं और ट्रांजिशन होती हैं। ये जो है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज मॉडल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज़ नोन एज प्लेस ट्रांजिशन यानी पीटी नेट। इट इज़ वन ऑफ सेवरल मैथमेटिकल मॉडलिंग लैंग्वेजेस फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इट इज़ अ क्लास ऑफ डिस्क्रीट इवेंट डायनामिक सिस्टम। अ पैटी नेट इज अ डायरेक्टेड बाई ट्रेड बाई ट्राइट ग्राफ इन विच
नोड्स रिप्रेजेंट दी ट्रांजिशंस इवेंट्स दैट मे अकर रिप्रेजेंटेड बाय बार्स एंड प्लेसेस, यानी कि इसमें जो है नोड्स होते हैं और प्लेसेस होती हैं। जो प्लेसेस होती हैं वो कंडीशंस को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारे पास नोड्स होते हैं वो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास प्लेसेस होती हैं वो सर्कल से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो नोड्स होते हैं या ट्रांजिशंस होती हैं हम उनको जो है एक बॉक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द डायरेक्टेड कर्व्स डिस्क्राइब दी प्लेसेस आर प्री एंड पोस्ट कंडीशन फॉर विच ट्रांजिशन सिग्निफाइड बाई एरोज, यानी कि हम ट्रांजिशन को या हमारे पास जो कर्व होता है हम उसको एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद है पेट्रीनेट आर बेसिक मॉडल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेम्ड आफ्टर, यानी कि उसके जो जिस ऑथर ने जो है मॉडल पेट्रीनेट मॉडल जो प्रपोज किया था कार्ल आदम पेट्री। द बेसिक आइडिया इज टू डिस्क्राइब स्टेट चेंजेस इन द सिस्टम विद ट्रांजिशन, यानी कि इसका बेसिक काम यह है कि सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जब मूव करेगा ट्रांजिट करेगा तो उसकी स्टेट्स में जो चेंजिंग रहेगी ये जो मॉडल है उन चेंजिंग को जो है वो डिस्क्राइब करता है। अ पैटर्ननेट कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस ट्रांजिशंस एंड आर्सेल, यानी के कर्व्स पार्ट ऑफ कर्व। द प्लेसेस फ्रॉम विच एन कर्व रन टू अ ट्रांजिशन आर कॉल्ड द इनपुट प्लेसेस, ये आगे हमने देखना है कि हमारे पास जो है जहाँ से हमारा कर्व जो है ट्रांजिशन की तरफ जिस प्लेस से मूव करेगा हम उनको क्या कहेंगे इनपुट प्लेसेस, और जिस और ट्रांजिशन से जिस प्लेस की तरफ आगे जो है वो मूव करेगा यानी कि ट्रांजिशन से उसको हम क्या कहेंगे आउटपुट प्लेसेस कहेंगे। द प्लेसेस टू विच कर्व रन फ्रॉम ट्रांजिशन आर कॉल्ड द आउटपुट प्लेसेस ऑफ द ट्रांजिशन, ये देखें ये क्या है एक तरह की ये जो है इनपुट प्लेसेस हैं, और ये क्या है यानी कि यहाँ से जो है वो ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहा है कर्व हमारा, ये हमारे पास इनपुट प्लेसेस हैं ये दोनों स्टेट थ्री और स्टेट वन, और उसके बाद ये ट्रांजिशन से जो है फर्दर जो है मूव कर रहा है स्टेट टू और स्टेट फोर की तरफ, हम इनको क्या कहेंगे आउटपुट प्लेसेस कहेंगे। पैटर्ननेट्स कंटेन प्लेसेस, यानी कि जैसा पहले भी हमने कहा है कि प्लेसेस को जो है हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन को जो है हम एक बॉक्स की मदद से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मे बी कनेक्टेड बाई डायरेक्टेड कर्व, ये डायरेक्टेड कर्व हैं जो एरो से जो है रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। प्लेसेस रिप्रेजेंट स्टेट्स, यानी कि ये प्लेसेस जो हैं ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कंडीशंस और रिसोर्सेज दैट नीड टू बी अवेलेबल, यानी कि ये हमारे पास प्लेसेस जो हैं वो स्टेट्स कंडीशन या रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करेंगी जो कि हमें अवेलेबल होने चाहिए जो जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करें बिफोर एन एक्शन कैन बी कैरिड आउट। प्लेसेस दैट मे मूव टू अदर प्लेसेस बाई एग्जीक्यूटिंग फायरिंग एक्शन, यानी कि प्लेसेस पे जो है हमारे पास ये टोकन हैं जो मूव करेंगे फर्दर किसी और स्टेट की तरफ, यानी कि जब हम फायरिंग का एक्शन परफॉर्म करेंगे। आ टोकन ऑन अ प्लेस मीन्स दैट द कोरिस्पॉन्डिंग कंडीशन इज फुलफिल्ड, यानी कि अगर यहाँ पे कोई टोकन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई रिसोर्स अवेलेबल है, यानी कि कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि रिक्वायर्ड कंडीशन इज अवेलेबल is fulfilled for the for the or that a resource is available. In the example transition T may fire, यानी कि यहाँ पे जो transition T है ये क्या करेगी fire करेगी if there are tokens on place S1 and S3, यानी कि यहाँ पे token है S1 state 1 और state 3 पे, तो हमारी transition जो है वो क्या करेगी fire करेगी। firing T will remove those tokens and place new tokens on S1 S2 एंड S4, यानी कि यहाँ पे ये वाले टोकन जो है फायरिंग के बाद यहाँ पे जो है इनको प्लेस कर देगी। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बैटरी नेट के लिए हम यूज करते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बैटरी नेट। बैटरी नेट इज अ टपल, टपल मीन्स यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो कि एन से रिप्रेजेंट हो रहा है इज इक्वल टू पी टी एफ डब्ल्यू एम नोड वेयर पी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ प्लेसेस, यानी कि जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि पी क्या है हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ प्लेसेस है, टी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जो हमारा सिस्टम जब मूव करेगा तो हम किस तरह से वो बिहेव करेगा। द प्लेसेस पी एंड ट्रांजिशन टी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब डिसप्लेस, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा पी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू जीरो।
सॉरी जीरो नहीं, हाइफन मतलब एम्प्टी सेट। उसके बाद है एफ इज सबसेट ऑफ पी क्रॉस टी यूनियन टी क्रॉस पी इज द फ्लो ऑफ द रिलेशन। डब्ल्यू पी क्रॉस टी यूनियन टी क्रॉस पी इज द कर्व वेट मैपिंग वेयर डब्ल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एफ इज एन एलिमेंट ऑफ एफ स्मॉल इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ एंड डब्ल्यू एफ इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एफ इज एलिमेंट ऑफ स्मॉल एफ इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ एंड एम नोट इज द इनिशियल मार्किंग रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन। यानी कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन का मतलब यह है कि हमारे पास जो टोकन होगा वो पहले इनिशियली जो है वो किस स्टेट पे होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो मॉडल है एक्टर मॉडल ऑफ द कंकरेंट सिस्टम। द एक्टर मॉडल इज अ मैथमेटिकल थ्योरी दैट ट्रीट्स एक्टर एज द यूनिवर्सल प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब एक मतलब ओल्ड फॉर्मेट में कोई भी चीज़ हो तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव्स कहते हैं। ऑफ कंकरेंट डिजिटल कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन द मॉडल हैज बीन यूज्ड बोथ एज अ फ्रेमवर्क फॉर द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंकरेंसी। यानी कि ये वाला जो एक्टर मॉडल है ये एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कंकरेंसी के एज अ फ्रेमवर्क हम इसको यूज करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए कंकरेंट सिस्टम में भी हम इसको यूज करते हैं। एंड एज द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर सेवरल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंकरेंट सिस्टम्स। तो उसके बाद फंडामेंटल कंसेप्ट हैं इसके एक्टर मॉडल के। द एक्टर मॉडल अडॉप्ट्स द फिलॉसफी दैट एवरीथिंग इज एन एक्टर इज अ कंप्यूटेशनल एंटिटी दैट इन रिस्पांस टू मैसेज इट रिसीव्स कैन कंकरेंटली। यानी कि एक्टर मॉडल जो है एक कंप्यूटेशनल एंटिटी है, कंप्यूटेशन जो है एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है जो जो है जो भी जब भी वो कोई मैसेज रिसीव करेगा तो उस मैसेज के रिस्पांस में कंकरेंटली एट द सेम टाइम यानी कि उसी टाइम या वो क्या करेगा सेंड अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज टू द अदर एक्टर्स। यानी कि जब भी वो कोई मैसेज रिसीव करेगा उस रिसीविंग मैसेज के रिस्पांस में वो क्या करेगा या तो फाइनाइट नंबर जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज जो है वो किसी और एक्टर को सेंड करेगा या फिर क्या करेगा बहुत सारे जो है क्रिएट अ फाइनाइट नंबर ऑफ द न्यू एक्टर्स। यानी कि या तो वो जो है मैसेज क्रिएट करेगा या फिर क्या करेगा मैसेज सेंड करेगा किसी और एक्टर को या फिर क्या करेगा कोई जो है न्यू एक्टर जो है वो क्रिएट करेगा या फिर क्या करेगा असाइन द बिहेवियर टू बी यूज फॉर द नेक्स्ट मैसेज इट रिसीव। यानी कि या फिर क्या करेगा कि नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है उसका बिहेवियर क्या होगा। देर इज नो अज्यूम्ड ऑर्डर टू द अबव एक्शन एंड दे कुड बी कैरिड आउट कंकरेंटली। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब भी कोई एक्टर मैसेज रिसीव करेगा तो लाजमी नहीं है कि वो जो है पहले जो है वो क्या करे कि फाइनाइट मैसेज जो है वो क्रिएट करे या फिर उसके बाद जो है फाइनाइट जो है न्यू एक्टर जो है वो क्रिएट करेगा। मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लाजमी नहीं है कि जो एक स्पेसिफिक वो ऑर्डर यूज करे। एंड एडिशन टू मैसेजेस सेंड कंकरेंटली कैन अराइव इन द ऑर्डर। उसके कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो हमारे पास ऑपरेशन हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन जब वो कोई दो मैसेजेस रिसीव करेगा उनका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्टर्स है, एन एक्टर कैन ओनली कम्युनिकेट विद एक्टर्स टू विच इट इज कनेक्टेड। यानी कि एक्टर जो है वो सिर्फ उस एक्टर के साथ ही कम्युनिकेट करेगा जिसके साथ वो जो है किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होगा। इट कैन डायरेक्टली अपटेन इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम अदर एक्टर टू विच इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी कि एक्टर जो है हमेशा उसी एक्टर से ही इन्फॉर्मेशन अपटेन करेगा जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। कनेक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वेराइटी ऑफ वेज। यानी कि या क्या होगा डायरेक्ट फिजिकल अटैचमेंट होगी एक्टर के दरमियान, या जो है एक मेमोरी और डिस्क एड्रेसेस के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे, या फिर क्या होंगे नेटवर्क एड्रेसेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे, या फिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल एड्रेसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। उसके बाद एक्टिव मॉडल एंड एक्टिव मॉडल कैन बी यूज्ड एज फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ करंट सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल कैन बी मॉडल्ड एज एन एक्टर सिस्टम। अकाउंट्स आर मॉडल्ड एज एक्टर एंड ईमेल एड्रेसेस आर एक्टर एड्रेसेस। उसके बाद वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज कैन बी मॉडल्ड विद सोप। सोप मीन्स सोप मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी कि ये एक मैसेज एक्सचेंजिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को वेब सर्विसेज के दरमियान किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या है प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन है।
ऑब्जेक्ट्स दैट विद लॉक्स, यानी कि जिस तरह जावा और सी शार्प में हम यूज करते हैं, कैन बी मॉडल्ड एज वेक्टर्स. Thank you for your concentration.